करता हूँ एक और नवी वीडियो में। गाइस आज की वीडियो हमारी होने वाली है मेरे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप की, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और काफी ज्यादा मुझे इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे कि आपका मोटर ब्लॉगिंग सेटअप क्या है। देख सकते हैं मैंने सारा अपने टेबल पे सामान रख दिया है GoPro का। यहाँ पे मैंने A to Z सारी चीजें रख दी हैं जो GoPro से रिलेटेड हैं, ताकि मैं आपको सबके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे पाऊँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसा कंटेंट देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलना। तो गाइस दिस इज GoPro Hero 9, यही कैमरा है जो मैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग क्लिप्स के लिए यूज करता हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो अभी सेटिंग्स होंगी वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि तो मैंने गाइस तीन अलग अलग केसेस ले रखे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि इसमें माइक अडैप्टर लग जाता है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, इससे हमारा जो GoPro है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है GoPro। एंड इसके ऊपर ये जो कनेक्टर है इसी में फ्लैश ऐड हो जाती है एंड इसी में माइक का भी सिस्टम ऐड हो जाता है। आपको मैं एक बार निकाल के ये वाला लगा देता हूँ। जैसा कि जब भी आप GoPro नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला कैप लॉक यूज़ कर सकते हैं लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मेरे पास है एक वाटरप्रूफ केस जो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें एक भी बूंद पानी नहीं जाता। एंड ये एक नॉर्मल बंडल में मुझे मिला था सिलिकन केस, ये मैं लगाता बहुत कम हूँ बट ये भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइज इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, यही होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे हेलमेट में लॉक करते हैं GoPro को विद द माउंट, तो ये बहुत सारे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये है कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ माउंट्स, जैसे अभी मोस्ट रिसेंट वन मैंने ये 360 वाला मंगाया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। तो आपको हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा आज की। तो आप ये देख सकते हैं ये भी मेरे को बंडल के साथ मिला था, दिस इज़ अ टेम्पर्ड ग्लास फॉर आर GoPro। एंड ये दीज आर द मोबाइल होल्डर्स हमारे पास हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेन थिंग गाइज, GoPro की बैटरीज, जो कि मैंने GoPro लेने के थोड़े टाइम बाद ही ले ली थी क्योंकि एक बैटरी से मेरा काम हो नहीं रहा था। तो ये है दो बैटरी का सेट, इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड जो भी आप चीज़ें लोगे, माइक अडैप्टर या फिर GoPro की बैटरीज, तो आपको GoPro की ओरिजिनल चार्जिंग केबल्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप ये देख सकते हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑल दो मेरे पे तीन है, ये तो एक ऑलरेडी यूज होती है तो वो उधर रखी हुई है। एंड गाइज दिस इज़ द मेन थिंग फॉर मोटो व्लॉगिंग, ये है एक माइक अडैप्टर जो आपके माइक को कनेक्ट करेगा आपके GoPro से, ताकि आपकी ऑडियो व्लॉग करते हुए बिल्कुल क्लियर आए। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये अराउंड पड़ता है 4500 का। तो अगर आपके पास ये नहीं है तब भी आपका काम चल सकता है, बट आपकी जो बैकग्राउंड नॉइस है, बाइक की नॉइस है, वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपके पास बजट हो जाए तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप माइक ज़रूर लें। एंड ये है 3-way मोनोपॉड एक, ये सिर्फ पर्टिकुलरली GoPro के लिए है जो मैंने लिया था अभी तक। एंड इसके मल्टीपल यूज़ है गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से खुल जाता है एंड उसके बाद ये यहाँ पे लग जाएगा, एक सेकंड बस लग गया। एंड उसके बाद हम इसको एज अ स्टैंडिंग ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं, ये आप इसके अंदर GoPro लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो देख सकते हैं गाइस ये हो गया कुछ हमारा ऐसे तैयार, जिसमें मिनी ट्राइपॉड हमारे GoPro के लिए बन गया है। एंगल एलिवेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दीज आर द कैप्स फॉर द लेंस ऑफ द GoPro। एंड गाइज फॉर मोटो व्लॉगिंग दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप जैसे कि देख सकते हैं यही जो है हेलमेट पे माउंट होंगे एंड इसी में हम अपना GoPro अपने मोबाइल डिवाइसेस लॉक करते हैं, तभी हम मोटो व्लॉग कर पाते हैं। ये मैंने लिया था कम से कम 1.5 साल पहले, जब मैं पहले फ़ोन से मोटो व्लॉग करता था। एंड मोस्ट रिसेंट वन विच आई हैव परचेज इज दिस वन एक्शन प्रो का, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है। एंड ये एक बैग था गाइस जो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले ले लिया था, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको इसी में रखते हैं। एंड इसमें बहुत ज़्यादा सामान गाइज आ जाता है, ताकि मैं उसको बंद करके आराम से रख दूँ। तो गाइज ये था कुछ सारा मेरा सामान जो कि था। एंड अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ GoPro की कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपकी रिकॉर्डिंग को इतना ज़्यादा प्यारा बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी चलते हैं हम गेम डे के पास।
तो गाइस जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि ये है हमारा GoPro एंड इसमें मैं आपको अभी बेस्ट सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट सेटिंग्स होती हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे को मिलते हैं 3 से 4 ऑप्शन जो कि है स्टैंडर्ड, एक्टिविटी एंड सिनेमैटिक एंड स्लो मोशन। हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है गाइस वो होती है मोटो ब्लॉगिंग की, तो उसमें जो मेरी सेटिंग्स है ना वो है 2.7K 60fps सुपर व्यू के साथ। तो मैं एक बार यहाँ से आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, बेस्ट सेटिंग्स यही हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन हमारे को दिख रहा है 2.7K विद 60fps सुपर व्यू, हाइपर स्मूथ इज ऑन, ठीक है। स्केड्यूल कैप्चर हमने ऑफ करा हुआ है, ड्यूरेशन हमारी कोई भी नहीं है, हैंड साइड हमने ऑफ करी हुई है, टाइमर हमें जरूरत नहीं पड़ती, जूम हमारा सुपर व्यू वाला 1x नॉर्मली रहेगा। एंड यहाँ पे प्रोटून में आप देख सकते हैं कि हमने इसको रखा है स्टैंडर्ड एंड जो भी शटर होगा वो ऑटोमेटिकली होगा एंड वाइट बैलेंस ऑटो है, चार्पनेस हाई है, कलर जो GoPro रिप्रेजेंट करता है GoPro प्रोवाइड करता है वही है। गाइस दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर व्यू एंड नैरो, नैरो में इतना है एंड सुपर व्यू में हम जाते हैं तो सुपर व्यू में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है स्टेबलाइजेशन की, अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो बूस्ट ऑन रहता है, स्टेबलाइजेशन ऑन रहती है। दीज आर द बेस्ट सेटिंग्स फॉर योर GoPro गाइस। इफ़ यू हैव अ GoPro सेलेक्ट दीज सेटिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली है। गाइस आप सबको पता लग गया कि आपके GoPro के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सेटिंग्स क्या रहेंगी। तो अब जल्दी से मैं एक टाइम लैप्स में अपने हेलमेट में अपना GoPro माउंट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं मिलूंगा सीधा मोटो व्लॉगिंग वाली क्लिप में। आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से लग चुका है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये था वो जो केस था, यहाँ पे हमारा माइक अडैप्टर लग गया एंड जो मेरे हेलमेट के माइक की तार है वो हेलमेट मेरा ऑलरेडी इधर माउंटेड है तो वो वहाँ पे फिक्स हो चुका है। एंड GoPro आप देख सकते हैं GoPro प्रॉपर तरीके से लग गया है। एंड ये है हमारा माइक अडैप्टर जो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से इधर कनेक्ट हो चुका है। एंड ये है कुछ ऐसा प्रॉपर सेटअप एंड जो मैं रील्स डालता हूँ वो 360 माउंट भी यूज़ करता हूँ तो वो मैं ऐसे बनाता हूँ जिससे हमारा जो व्यू है वो रील वाला आता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है। और तो मैंने एक और नवा तरीका देखा था वीडियो बनाने का, वो कुछ इस तरीके से था कि अगर हम अपने GoPro को उल्टा रखते हैं ना तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वाइड एंगल आता है, पूरी प्रॉपर रोड देती है एंड हमें आँखों में जो होती है डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती कि हम अपनी आँखों के आगे हमें GoPro दिख रहा है। वरना इसमें क्या होता है कि हमारे को जो बिगनर्स होते हैं ना उनको आदत होती है कैमरे में देखने की, मेरी आंखों के सामने मुझे GoPro दिख रहा है तो कई लोगों को इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं इसको बिल्कुल उल्टा रख लेते हैं, तभी ये 360 वाला माउंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको उल्टा रखते हैं एंड अब वीडियो बनाते हैं। जब ऐसी वीडियो बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है एंड बहुत ज़्यादा सही रहता है। हम चलते हैं एक मोटो व्लॉगिंग क्लिप पे, सेटअप तो हो ही चुका है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब जल्दी से मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग वाली क्लिप पे। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैं निकल रहा हूँ एक बार टेस्टिंग के लिए अपने माउंट की एंड अभी जो मैंने अपना GoPro है वो डाउनवर्ड्स रखा हुआ है जैसा कि आप इस शीशे में देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से आवाज़ आ रही होगी मेरे माइक सेटअप की। तो मेरा माइक जो है वो बिल्कुल मेरे मुंह के पास है एंड एक बार मैं ऐड कर दूंगा कि मैं कौन सा वाला माइक यूज़ करता हूँ विद अ पिक्चर एंड उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। आई होप विंड ब्लास्ट भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसे रखा हुआ है मैंने अपना GoPro, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं बाइक की आवाज़ सब कुछ बिल्कुल एकदम प्रॉपर आ रही होगी। गाइज एकदम बढ़िया चल रही है बाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड रिकॉर्डिंग भी एकदम अच्छी हो रही होगी मेरे ख्याल, एकदम बढ़िया एकदम स्मूथ चल रही है बाइक। तो गाइज ये है कुछ जो सामने से रख के व्यू आता है, अब मेरा कैमरा सीधा है तो आप देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो गाइज जैसा कि आपने चेक करा कि अभी मैं राइड करके आ रहा हूँ एंड बहुत अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड मेरा GoPro भी आप देख सकते हैं मैंने उल्टा माउंट करा हुआ है जिससे मेरी आंखों के आगे मेरे को क्लियर विजन दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइज तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएँ एंड प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें
एंड थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में आपको बहुत प्यारा प्यारा ऐसा और कंटेंट मिलने वाला है।